आज जो है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को दोबारा जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वो पेश किया गया और इस वक्त जो है केस की समाअत भी होनी है और फवाद चौधरी की वालदा और उनकी जो आहलियां हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। जो जब साफ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उसमें उनका ये कहना था कि जो ये हुकूमत है ये मई तक ही नहीं चल सकती, क्योंकि जब उनसे पूछा गया इस हुकूमत के हवाले से आप क्या कहते हैं और साथ साथ उन्होंने कुछ और भी बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको मोदी सरकार और आयान अली के अलावा कोई नहीं मानता है और यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने भी मुबारकबाद नहीं दी। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक बात की है, उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत जो है वो चली जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि केपीके का जो सियासी किरदार है बहुत अहम है, पाकिस्तान बनाने में भी उनका किरदार बहुत अहम है।